हाई स्टूडेंट्स टूडे वी विल स्टार्ट एट्थ चैप्टर दैट इज अ पोएम द टेल ऑफ मेलन सिटी दिस पोएम इज रिटन बाय विक्रम सेठ सो दिस इज अ वेरी ह्यूमरस पोएम ये एक ह्यूमरस यानी कि काफ़ी मजाकिया किस्म की कविता है जिसको विक्रम सेठ ने लिखा है तो so, चलिए शुरू करते हैं कविता को अब होता यूं है कि एक राज्य है जिसके अंदर जो राजा है वो बहुत ही न्यायप्रिय है और बहुत ही शांति प्रिय है यानी कि बहुत ही अच्छा राजा है हम कह सकते हैं कि उसको शांति पसंद है और न्यायप्रिय सबको न्याय भी वो देता है तो इस तरह का राजा है लेकिन एक बार राजा जो है वो डिसाइड करता है कि वो एक आर्क बनाएगा क्या बनाएगा आर्क यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पर खड़े रह के वो पूरे राज्य के लोगों को संबोधित कर सके और उसको बनाने के लिए उसने अपने किंगडम के अंदर जो लोग थे जो भी उसको बनाने वाले थे बिल्डर्स आर्किटेक्ट्स वगैरह उन सबको ऑर्डर दिया और जैसे ही किंग ने ये ऑर्डर दिया उस ऑर्डर को लोगों ने फॉलो करना शुरू किया और उसका काम चालू हो गया बनाने का वो जो आग थी उसको बनाने का काम जारी था और आर्क राजा जो था वो इस प्रकार की चाहता था कि वो उसके ऊपर खड़ा रहे और उस पर खड़ा रह के वो पूरे राज्य के लोगों को संबोधित कर सके सबको देख सके यानी कि थोड़ा हाई प्लेटफॉर्म हम लोग कह सकते हैं किस तरह का तो उस पर काम शुरू हो गया और जल्द ही वो जो आर्ग थी वो बनकर तैयार हो गई अब उसके बनने के बाद राजा उसको देखने आया अब राजा जब देखने आया तो वो जो आर्ग थी वो काफ़ी नीची बनाई गई थी यानी कि उसका शेप किस तरह का था मैं आपको बता दूं देखिए इस तरह का एक प्लेटफॉर्म था जो कि इस तरह का शेप था उसका तो राजा जो था उसके ऊपर यहाँ खड़ा रहकर सबसे संबोधित सबसे बात कर सकता था इस तरह का एक आर्क जो है वो बनाना चाहते थे राजा और वो थोड़ा नीचा बन गया यानी कि उसकी हाइट थोड़ी कम थी जब राजा उसके अंदर से गुजरा तो उसका जो मुकुट था राजा का वो गिर गया मुकुट क्या हुआ वो गिर गया हाँ मुकुट के गिरने पे राजा को बहुत ही ज़्यादा अपनी बेजती का एहसास हुआ कि भाई एक राजा जो कि राज्य का मालिक है और ऐसा उसके साथ हो तो उसको काफ़ी हर्ट फील होगा और काफ़ी डिसऑनर्ड यानी कि उसको अपमानित फील हुआ और राजा को इतना गुस्सा आया कि उसने चीफ बिल्डर को हैंग करने का कि जिसने उसको बनाया है उसको बनाने वाला जो चीफ बिल्डर था उसको हैंग करने का फैसला किया हैंग करने का मतलब उसको फांसी पर लटकाने का फैसला किया क्योंकि ये उसी की गलती थी जिस कारण से उसका मुकुट गिरा क्योंकि उसने उसको काफी नीचे बनाया था तो अब तैयारियां शुरू होने लगी किस चीज की चीफ बिल्डर को लटकाने की उसको फांसी पर चढ़ाने के लिए तैयारियां शुरू होने लगी जब चीफ बिल्डर को पकड़कर लाया गया तो चीफ बिल्डर ने बताया कि इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है राजा मैंने तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है ये तो वर्कमैन जो काम करने वाले लोग थे उनकी गलती है तो राजा ने डिसाइड किया कि शायद ये सही बोल रहा है ये बिल्डर जो है चीफ बिल्डर ये सही बोल रहा है क्योंकि इसने बनाई नहीं है ये काम तो वर्कर्स ने किया है तो उसने डिसाइड किया कि बिल्डर चीफ बिल्डर की जगह पे वर्कमैन जो काम करने वाले मज़दूर थे या जो भी व्यक्ति थे उनको लटकाने का फैसला किया कि उनको लाया जाए और उनको लटकाया जाए और जो वर्कर्स थे जब उनको पकड़ के लाया गया तो उन्होंने दोष दिया साइज ऑफ ब्रिक्स को कि जो ब्रिक्स थी जो ईंटें थी उनका साइज बहुत बड़ा था जिस कारण से हमें उनको मतलब बड़ी ईंटें लगानी पड़ी जिससे इसका साइज जो था वो नीचे आ गया काफी अगर ईंटें छोटी होती तो शायद ये साइज नीचे ना आता और आपका मुकुट जो था आपका जो ताज था वो ना गिरता तो इसके लिए उन्होंने मैसन को दोषी ठहराया कि इसके लिए मैसन का जो है दोष है जिसने इन ईंटों को लगाया तो मैसन जो था जब उसको पकड़ के लाया गया तो उसने आर्किटेक्ट के ऊपर दोष डाल दिया कि ये जो गलती है ये तो आर्किटेक्ट की गलती है अगर आर्किटेक्ट इस तरह का डिजाइन ना बनाता और ढंग का डिजाइन हमको देता तो शायद ये गलती ना होती तो राजा जो थे वो आर्किटेक्ट को पकड़ के लाने का आदेश देते हैं और आर्किटेक्ट को पकड़ कर लाया गया अब आर्किटेक्ट जो है वो बताता है आकर कि राजा जी मैंने जब अपना प्लान बनाकर आपके पास भेजा था तो वो तो एकदम सही था लेकिन आपने उसके अंदर कुछ चेंजेस कर दिए और मैंने जो था जो, जो कुछ भी दिया था वो मैंने आपको पूछ के किया था यानी कि जो मेरा प्लान था मेरा जो भी जो मैंने नक्शा तैयार किया था वो पहले मैंने आपसे अप्रूव करवाया था तो यानी कि सीधा सीधा जो आर्किटेक्ट था वो राजा के ऊपर ब्लेम डाल रहा है कि ये जो आर्क है इसका नीचे रहने का रीजन है आप कि अगर आप उसमें बदलाव ना करते या फिर आप उसमें अगर कुछ बदलाव करना चाहते थे तो कर देते तो शायद ऐसा न होता ये तो आपको पसंद आया था यानी कि फाइनल जो इसका डिसीजन था इसको बनाने का वो तो आप ही का था आपने इसको पास किया था तो हमने इसको बना दिया तो इस तरीके से जो आर्ग्यूमेंट था ये ये सीधे सीधे राजा के ऊपर आकर खत्म हुआ और राजा काफ़ी कंफ्यूज हो गया कि भाई इस मैटर के अंदर भी दोषी तो मैं ही हूं अब राजा ने डिसाइड किया अपने मंत्रियों से बातचीत की और डिसाइड किया किसी वाइज मैन किसी एक बुद्धिमान व्यक्ति की सलाह लेने का उसने फैसला किया अब राजा ने ऑर्डर दिया कि मेरे राज्य के अंदर जो भी वाइज मैन है सबसे समझदार आदमी है वाइजेस्ट मैन यानी कि सबसे ज़्यादा बुद्धिमान जो व्यक्ति है उसको मेरे सामने पेश किया जाए अब राजा का ऑर्डर मिलते ही सिपाही जो थे वो पूरे शहर में पूरे देश के अंदर पूरे कंट्री के अंदर किंगडम के अंदर फैल गए और ढूंढने लगे वाइज मैन अब जैसे कि यह शहर ही था पागलों का शहर था एक तरह से तो उन सैनिकों को ऐसा लगता था कि कोई भी व्यक्ति जो बहुत बूढ़ा है यानी कि बुजुर्ग है वो सबसे ज्यादा वाइज होगा ऐसा कहा जाता है ना बुजुर्ग लोग बहुत समझदार होते हैं उनको तो इन लोगों को भी वही लगता था कि जितना ज्यादा बुजुर्ग आदमी उतना ज्यादा समझदार तो ऐसे में इन्होंने एक बहुत ही ज्यादा उम्र व्यक्ति को पकड़ा जो कि चल भी नहीं पाता था ढंग से और ना ही उसको दिखाई देता था ना उसको चलने में भी दिक्कत थी वो वॉक नहीं कर पाता था और ना ही उसको दिखाई देता था उसको पकड़ा और इनको लगा कि ये सबसे ज्यादा वृद्ध है सबसे ज्यादा उम्र दराज व्यक्ति है और ये सबसे ज्यादा समझदार भी होगा अब ओल्ड मैन को पकड़कर पेश किया गया राजा के सामने तो ओल्ड मैन ने कहा कि जो रियल कल्प्रिट है यानी कि इस पूरी जब बात को उसने सुना बुजुर्ग ने तो बुजुर्ग ने अपना जो मत था वो दिया कि इस पूरी घटना में जो दोष है दोष इस आर्क का है अगर ये आर्क जो है ये न होती तो राजा का क्राउन राजा का जो ताज था राजा का जो मुकुट था वो न गिरता तो उसने बताया कि ये जो आर्क जो बनाई गई है जो यही दोषी है तो इसी को लटका देना चाहिए यानी कि सजा इसी को मिलनी चाहिए अब आर्क को लटकाना यानी कि उसको सजा देना ये तो पॉसिबल ही नहीं था अब हो क्या सकता है कि उसको तोड़ दिया जाए लेकिन एक मंत्री एक जो उनका काउंसलर था उसने कहा कि अगर हम इसको तोड़ते हैं या इसको लटकाते हैं या इसको नुकसान पहुंचाते हैं तो ये तो बहुत ही बड़ा मतलब हमारी बदनामी होगी ये तो हमारे लिए बहुत शर्म की बात होगी कि पहले हमने इसको बनवाया अब हम इसको तोड़ रहे हैं यानी किसी को सजा दे रहे हैं तो ऐसे में अगर हम इसको सजा देते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा बेजती वाली बात होगी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा शेमफुल एक्ट होगा हमारे लिए अब बात कहाँ पर अटकी आकर फिर से आर्क के ऊपर की आर्क, आर्क को लटकाया जाए लेकिन अब आर्क को लटकाएं तो कैसे काउंसिलर ने एक और बात दिमाग में डाल दी कि इसको लटकाएंगे यानी कि इसको अगर तोड़ेंगे नुकसान पहुंचाएंगे तो इससे तो हमारी ही बदनामी होगी तो इस पर जब यह घटना चल रही थी उसी दौरान राजा ने देखा जो क्राउड थी जो सामने जो लोग थे राज्य के जो प्रजा थी वो वो सब रेस्टलेस होते जा रहे हैं यानी कि वो न्याय के लिए बहुत ज्यादा फड़फड़ा रहे हैं कि न्याय होना चाहिए क्योंकि हमारे राजा राजा का अपमान हुआ है तो इसके लिए हमें न्याय चाहिए अब इतने सारे लोगों को संतुष्ट करने के लिए उन सब लोगों को शांत करने के लिए राजा जैसे कि हमने देखा कि वो न्यायप्रिय था उसने सब लोगों को शांत करने के लिए ऑर्डर पास किया और एक फंदा तैयार करवाया और कहा पब्लिक डिमांड के ऊपर कि फंदा तैयार किया गया और वो जो बनाया गया था फंदा वो काफी हाइट पे था काफी ऊंचा था अब एक आदमी को तो लटकाना है ताकि पूरी प्रजा जो है वो शांत हो सके उनको लगे कि भाई हमारे राजा को न्याय मिल गया है तो ऐसे में किसी ना किसी को तो लटकाना है लेकिन वो जो फंदा था वो काफ़ी ऊंचा लटकाया गया था अब लोगों को चेक किया जा रहा था भाई कौन इस तक पहुंच सकता है तो जब देखा गया तो ज़्यादातर जो राज्य के लोग थे उनमें से कोई भी व्यक्ति उस फंदे तक न पहुँच पाया क्योंकि उसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा थी कोई भी व्यक्ति उस राज्य में इतना लंबा नहीं था कि उस फांसी का जो फंदा था उसके उस तक वो पहुंच सके उस रस्ते तक पहुंच सके और जब अंत में ट्राई किया गया सबको तो कोई नहीं पहुंच पाया तो अंत में राजा को ट्राई किया गया तो राजा वहां तक पहुंच गया अब राजा जब उस फंदे तक पहुंच गया तो उनको लगा कि हमें एक अप्रोप्रिएट पर्सन मिल गया है जो यहां पर लटकाया जा सके तो उस प्रजा ने उन सैनिकों ने उन काउंसिलर्स ने मिनिस्टर्स ने मिलकर राजा को ही वहां लटका दिया तो हमने देखा किस प्रकार से ये जो कहानी है हमारी किस तर्ज पे बनी है ये जो पोएम है आपने हिंदी में कहावत सुनी होगी बहुत बार अंधेर नगरी चौपट राजा ये उसी के ऊपर बेस्ड है इससे रिलेटेड हमारे काफ़ी कहानियाँ भी बनी हैं जैसे इवन क्लास नाइन्थ के अंदर भी आपके पास एक कहानी इसी से मिलती जुलती है जिसमें भी यही चीज़ होती है कि किस प्रकार से जो चैप्टर का नाम ही है इन द किंगडम ऑफ फूल्स जिसमें यही चीज़ें सब होती हैं कि राजा जो है उसी को लटका दिया जाता है तो जैसे वो देखा हमने यहां पर भी हमने देखा कि राजा जो है अंत में उसी को लटका दिया गया तो चलिए राजा को लटकाने से क्या सब कुछ खत्म हो गया फाइन नहीं राजा को लटकाया गया तो जो मंत्री थे उन्होंने काफी अब चैन की सांस ली राहत की सांस ली कि चलो हमें कोई तो मिला जिसको हमने लटका दिया एटलीस्ट अब इतना करने से जो क्राउड थी वो शांत हो गई जो पब्लिक थी जो प्रजा थी वो काफी शांत हो गई और अगर ऐसा न होता तो शायद ये प्रजा जो थी ये जो लोग थे ये रिवॉल्ट पे उतर आते यानी कि विद्रोह कर देते कि हमारे राजा के अपमान का अभी तक हमें बदला नहीं मिला है तो ऐसे में सब लोगों को शांति होगी अब किसी को ये नहीं पड़ी है कि राजा ही हमारा चल बसा यहां से तो राजा की मौत के बाद राजा को जब लटका दिया गया तो इसके बाद एक और क्वेश्चन मार्क लगा कि राजा तो लटक गए हैं यानी कि इस बात में तो न्याय मिल गया है हमको लेकिन अब अगला राजा कौन होगा कौन होगा जो इस राज्य की देखभाल करेगा इस राज्य को आगे बढ़ाएगा तो डिसाइड किया गया कि जो पुराना हमारा कस्टम है जो पुराना रीति रिवाज हमारा जिस प्रकार से हम पहले राजा चुनते थे हम उसी प्रकार से राजा चुनेंगे अब उस राज्य के अंदर कैसे चुना जाता था राजा पहले समय में वो लोग कैसे राजा चुनते थे कि सबसे पहला व्यक्ति जो उस राज्य के गेट को पास करता था उससे पूछते थे कि राजा किसको बनाया जाए यानी कि उस राज्य का उस कंट्री का जो गेट था जहाँ से एंट्रेंस था उस एंट्रेंस के अंदर सबसे पहला व्यक्ति जो पास होता था उस व्यक्ति से पूछा जाता था कि राजा किसको बनाया जाए तो जिस भी व्यक्ति की तरफ वो इशारा करता था या जो भी वो कहता था उसको राजा बना दिया जाता था तो अब उसी मेथड को उसी ओल्ड कस्टम को फॉलो करने का डिसाइड किया गया तो देखा गया एक ऑर्डर पास किया गया कि जो भी व्यक्ति इस गेट से पास होगा वही राजा चुनेगा ठीक है अब अगले दिन एक ईडियट जो था एक हम बेवकूफ बोल सकते हैं एक बेवकूफ व्यक्ति उस गेट से पास हुआ अब उसको पास होते देखकर सब लोग बहुत खुश हो गए कि भी चलो अब यह बताएगा कि हमें अगला राजा कौन है तो उन्होंने उस ईडियट को पकड़ा और उसको पूछा हु वॉज टू बी द किंग कि राजा कौन होना चाहिए अगला राजा कौन होना चाहिए जैसे कि हमने देखा वो था वो बेवकूफ था वो हर बार एक ही शब्द बोलता था यानी कि जब भी उससे कुछ पूछो उसके मुंह से एक ही शब्द निकलता था मेलन जैसे कि चैप्टर का नाम है यहां पर टेल ऑफ द मेलन सिटी तो जब भी उससे कुछ पूछा जाए वो एक ही जवाब देता था मेलन तो यहां पर उससे पूछा गया कि अगला राजा कौन होगा तो उसने उत्तर दिया मेलन अब एक्चुअल में उसने मेलन का नाम वैसे तो नहीं लिया कि मेलन को राजा बना दो लेकिन वो तो एक ही शब्द बोलता था कुछ भी पूछे जाने पे कुछ भी उससे पूछा जाए क्या तुम्हें पसंद है क्या तुम खाना चाहते हो तुम कहाँ रहते हो कुछ भी पूछा जाए उसका एक ही जवाब होता था मेलन क्योंकि वो बेवकूफ था पागल था वो तो तो उसने उत्तर दिया मेलन अब ये बात सुनते ही सब लोग काफी खुश हो गए सब लोगों ने बहुत ज्यादा हर्षोल्लास मनाया कि चलो हमें हमारा अगला राजा मिल गया है तो जो मंत्री थे उन्होंने मेलन को ताज पहना दिया और उसे राजा बना दिया लोग जो थे वो काफी खुश हुए वो इस बात से काफी खुश हुए कि अगर उनका राजा अगर मेलन बनता है तो भी कोई बात नहीं है। इससे वो काफी खुश थे यानी कि उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि उनका जो राजा था वो एक पहले एक ह्यूमन uh, था और अभी एक मेलन बना है तो इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा वर वेरी हैप्पी स्टिल वो काफी खुश थे क्योंकि उनको एक नया राजा मिल चुका था और उन लोगों ने कहा कि उन लोगों को राजा इसी प्रकार का चाहिए और जो भी राजा ही सेट किया गया है जो भी नया राजा है वो उनको पसंद है उन्होंने इस पर अपना जो सहमति इस पर जताई और उन्होंने कहा दे हैड नो राइट टू से वॉट ही शुड बी एज लॉन्ग एज ही लीव्स दैम इन पीस एंड लिबर्टी कि जब तक वो लोग शांति पूर्ण तरीके से और एक आज़ादी के साथ रह रहे हैं तब तक उनको कोई राइट नहीं है राजा के ऊपर सवाल उठाने का क्योंकि उनका राजा पहले कैसा था वो एक शांति प्रिय राजा था वो एक जस्ट राजा था तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि उनको कोई भी आपत्ति नहीं है कि उनका राजा मैलन है जब तक वो अपनी अपने देश के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से अपने देश के अंदर आजादी से रह रहे हैं तब तक उनको राजा मेलन बने या कोई भी बने उससे कोई आपत्ति नहीं है और उन्होंने कहा कि हम लोग कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करेंगे लाइसेस फेयर ये वो प्रिंसिपल है जिसको हम फ्रेंच में फ्रांस के अंदर ये जो दिखाया गया है ये फ्रेंच एक प्रिंसिपल बताया गया है जिसको यहां पर आप देख सकते हैं लास्ट में दिया गया है ये द प्रिंसिपल्स ऑफ लाइसेंस फेयर सीम्स टू बी वेल एस्टेब्लिश देयर तो इस प्रिंसिपल को फॉलो करके वो सब लोग शांत हो गए द प्रिंसिपल ऑफ लाइसेंस फेयर का मतलब होता है द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेयरेंस कि हम राजा के काम में कोई अड़चन नहीं पैदा करेंगे जब तक राजा हमारे काम में कोई अड़चन पैदा नहीं कर रहा कि राजा अपना काम करता रहे प्रजा को शांति और सुख देता रहे और वैसे ही हम भी राजा को सुख शांति देते रहेंगे हम तब तक उसको कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे उसके काम में जब तक हमें कोई समस्या नहीं है तो वहां पर वहां के लोग जो थे पब्लिक थी उन्होंने इस प्रिंसिपल को फॉलो किया और उस राज्य के अंदर ये प्रिंसिपल लागू कर दिया गया यानी कि लाइसेंस फेयर और इसके मुताबिक ना राजा इनके काम में अड़चन डालेगा और ना ही लोग जो हैं वो राजा के काम में अड़चन डालेंगे तो लाइसेंस फेयर इज द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस तो इस तरीके से हमने देखा कि किस प्रकार से जो एक राज्य था जहाँ का राजा हम कह सकते हैं कि राजा भी बेवकूफ था वहाँ का तो अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हाल था कि जैसा राजा था वैसी ही वहाँ की प्रजा थी उनको एक दूसरे के साथ कोई भी उनका मतलब उस तरीके का कोई रिलेशन नहीं था बस राजा जो था वो खुद सूली पर चढ़कर भी अपनी प्रजा को खुश कर गया और प्रजा भी ऐसी थी कि वो राजा को मार कर भी खुश थी और अगला राजा जो चुना गया वो था एक मैलन तो ये थी एक पोएम द टेल ऑफ द मेलन सिटी रिटर्न बाय विक्रम सेठ होप यू एंजॉयड